ओके हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है क्या मेरी? चलो तो चैप्टर नंबर वन पे हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशंस देख ली थी। इंडिया में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? नीति आयोग, आरबीआई, सेबी, सीसीआई, आईबीबी, आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड एंड आईसीएसआई देख लिया था। ये सब देखने के बाद वी शिफ्टेड टू समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, G7 के बारे में पढ़ा, ठीक है, और उतना ही इंपॉर्टेंट था। फिर हम लोगों ने देखा बड़े बड़े बिजनेसमैन के बारे में, मुकेश अंबानी, ठीक है, चेयरमैन एंड एमडी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, अजीम प्रेम जी, विप्रो, फिर कुमार मंगलम बिरला, जिनके पास इतने सारे चीजों में इन्होंने क्या किया है, बहुत सारे जगह पे ये चेयरमैन, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं कंट्री के, नहीं, टिम कुक, फॉरेनर्स में इलॉन मस्क, बिल गेट्स और वॉरेन बफे देख लिया था। एक्सक्यूज मी। सो नाउ वी शिफ्ट टू द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में पढ़ते वक्त पहले लीडर जिनके बारे में हम पढ़ेंगे वो कि बट ऑब्वियस, श्री नरेंद्र मोदी जी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कब बने? पहली बार बने 2014 में, याद रखने की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर्स में लेटेस्ट वाला जो सेकंड वाला बने वो कब बने? 30th of May 2019। कब बने? 30th of May 2019, मेकिंग द स्टार्ट ऑफ हिज सेकंड टर्म इन द ऑफिस। फर्स्ट एवर प्राइम मिनिस्टर टू बी बॉर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंपॉर्टेंट, थैंक यू साक्षी, थैंक यू बेटा। फर्स्ट एवर प्राइम मिनिस्टर टू बी बॉर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस। श्री मोदी हैज प्रीवियसली सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट टर्म था 14 से 19, याद रखना पड़ेगा। डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात 2001 से 2014, ठीक है, दैट इज 14 ईयर्स तक गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, दैट इज लॉन्गेस्ट। बियॉन्ड पॉलिटिक्स उन्हें राइटिंग पसंद है, ठीक है, सेवरल बुक्स उन्होंने ऑथर की है, पोएट्री लिखते हैं, डे अपना योगा के साथ शुरू करते हैं जो उनकी बॉडी और माइंड को स्ट्रेंथन करता है। बच्चे ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, योगा क्यों करते हैं ये हमको भी पता है, समझा, यहाँ पे द पावर ऑफ कामनेस इन द अदरवाइज फास्ट पेस्ट रूटीन, ब्ला 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 ब्ला, ये छोड़ दो। फिर डोनाल्ड जे ट्रंप के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है क्योंकि अभी लेटेस्ट कौन है यूएसए के प्रेसिडेंट, कौन है यूएसए के प्रेसिडेंट लेटेस्ट? मिस्टर जो बाइडेन, कौन है यूएसए के लेटेस्ट प्रेसिडेंट? मिस्टर जो बाइडेन, उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ने का, ठीक है, हाउडी मोदी वगैरह वगैरह ये सब बहुत पुरानी चीजें बोल रहे हैं, समझा, तो बुक्स के ऑथर्स वगैरह के बारे में याद रखेंगे। तो वर्ल्ड लीडर्स में हम डोनाल्ड जे ट्रंप के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, समझा, यहाँ पे ट्रंप इज अ वेरी डेफिनेशन ऑफ अमेरिकन सक्सेस स्टोरी, सेटिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सेलेंस इन हिज बिजनेस एंडेवर्स एंड नाउ फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बेटा ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है ट्रंप, और आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, WWE में भी आते थे डोनाल्ड ट्रंप, मुझे नहीं मालूम था, मुझे मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बोला, रहे तूने देखा है क्या बचपन में अपने WWE में आते थे, रेसलिंग में आते थे डोनाल्ड ट्रंप, दो दो चार चार लड़कियों को साथ में लेके, ठीक है। नेक्स्ट अ ग्रेटिट्यूड, तो अब बेटा इनके बारे में पढ़ने की बजाय हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आप इनके बारे में पढ़ने की बजाय हम किनके बारे में पढ़ेंगे? हाँ, कहाँ से ग्रेजुएशन किया? वॉल्टन स्कूल ऑफ फाइनेंस, हैज ऑलवेज बीन ड्रीम बिग, ब्ला ब्ला ब्ला, नहीं सोचने का कुछ भी नहीं, एक चीज याद रख लो, बस पढ़ने के लिए पढ़ लो। ट्रंप फॉलोड नो रूल बुक एंड टुक हिज मैसेज, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन,
तो ये मैसेज किसने दिया? ट्रंप ने. नो रूल बुक मतलब वो जनरल रूल्स फॉलो नहीं करते थे जो जनरली प्रेसिडेंट्स ने फॉलो करने चाहिए. ठीक है, पक्का. नेक्स्ट, ट्रंप वॉज इलेक्टेड, कब, लेना देना नहीं है, छोड़ दो. अब वहाँ पे इलेक्शंस भी अपने जैसे होते नहीं है, देखा. और व्हाइट हाउस सभी मस्त हाउस इनका है. हाँ, व्हाइट हाउस से भी बड़ा घर. अरे बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी है ये, बिलियनेयर है वहाँ का. ठीक है, अमेरिका फर्स्ट प्लेटफॉर्म को लाने की कोशिश कर रहे, छोड़ दो, इतना याद नहीं रखने का. इनके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट हस्तियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे पहले है जो बाइडेन, 46th यूएस प्रेसिडेंट के बारे में इन्होंने बोला है. ठीक है, अब हम लोगों ने इनकी इंफॉर्मेशन कहाँ से ली बच्चों? डोनाल्ड ट्रंप की इंफॉर्मेशन DonaldTrump.com से मिली है. तो वैसा अब हमें जो बाइडेन सर की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो जो बाइडेन सर के बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो बेस्ट इन्फॉर्मेशन WhiteHouse.gov.pe मिल रही है. प्रेसिडेंट जो बाइडेन, इतना दिमाग नहीं लगाने का, फैमिली वैमिली भी याद नहीं रखने की, इतना सब नहीं. ठीक है, ये भी नहीं, ये भी नहीं. हाँ, ये 47th वाइस प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के, मतलब प्रेसिडेंट बनने के पहले ये वाइस प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा के, ये याद रखना. बराक ओबामा जब प्रेसिडेंट थे, ये वाइस प्रेसिडेंट थे. ठीक है, April 25, 2019 को उन्होंने कैंडिडेसी, वो सब भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, समझा? ये व्हाइट हाउस वाला बोर कर रहा है. विकीपीडिया की तरह, विकीपीडिया. चलो ठीक है, जो बाइडेन 47th वाइस प्रेसिडेंट थे और अमेरिका के 46th प्रेसिडेंट है, याद रखो. इनकमबेंट मतलब अभी है, यहाँ पे अगर गौर से देखो तो यहाँ पे देखो 46th प्रेसिडेंट है. कब आया ऑफिस में? January 2020, 2021, ये साल ही ऑफिस ज्वाइन किया है. इनकी वाइस प्रेसिडेंट है मिस कमला या मिसेस कमला हैरिस, आई डोंट नो मिस है या मिसेस है. और इनके पहले थे डोनाल्ड ट्रंप, उसके 46th प्रेसिडेंट बनने के पहले ये बने थे 47th वाइस प्रेसिडेंट. 2009 से 2017 तक थे, बराक ओबामा के टाइम पे. बराक ओबामा ने दो टर्म लगातार प्रेसिडेंसी हैंडल की है, तो उनके वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन सर थे, समझा? यूनाइटेड स्टेट सेनेटर, छोड़ दो पर्सनल डिटेल्स. अभी एज 78 है, इतने बूढ़े लोगों को ये लोग भी बना लेते हैं. अभी एज 78 है और इनकी पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेटिक है, याद रखना. यूएस में चार ही पार्टीज होती है, लेबर पार्टी, सॉरी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लेबर और एक पार्टी होती है, मुझे तो चौथी याद भी नहीं है, समझा? जिसमें से दो ही पार्टीज में से एक का प्रेसिडेंट बनता है, याद रखना. डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, दो पार्टीज के दो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं पूरी अमेरिका को, दोनों में से एक को वोट करना है, डायरेक्ट अमेरिकन को. सर पीएम मोदी से मिले थे अभी कुछ दिन पहले, ये भी आ सकता है, यस वो भी आ सकता है, समझा? तो अब हम लोगों ने तो बेसिक देख लिया, क्या बेसिक याद रखना है? January 2020, 2021 में ऑफिस में आए, 46th प्रेसिडेंट है, कमला हैरिस इनकी वाइस प्रेसिडेंट है और इसके पहले वो खुद वाइस प्रेसिडेंट थे इतने सालों तक. ठीक है, ये सब याद नहीं रखने का. डेथ ऑफ वाइफ एंड डॉटर, बापरे इनके बारे में यूएस सेनेट ब्ला 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 ब्ला, कुछ भी नहीं है. ठीक है, अर्ली लाइफ, ये भी याद नहीं रखने का है. जो बाइडेन मोदी मीट, ऐसा कुछ तो आप लोग देख लोगे तो आपको मिल जाएगा. कब हुआ ये? 1 month अगो. ठीक है, इंडिया टुडे, ये ले लो, बस इतना ही याद रखना. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेट यूएस प्रेसिडेंट इन वॉशिंगटन, इंडिया में मीट नहीं हुई थी, ऑन फ्राइडे. डेट क्या है यहाँ पे दी नहीं है, September 2024 को हुआ है ये, समझा? September 24 के एक दिन पहले हुआ होगा September 23. प्राइम मिनिस्टर कहाँ जाके मिले? हमारे प्राइम मिनिस्टर जो बाइडेन को मिले. बेटा बहुत लेटेस्ट है ये, September 24, 2021 की ही ये न्यूज़ है कि हमारे मिस्टर मोदी जाके अभी गए थे ना, मोदी जी किधर, यूएस, तो किसको मिले? जो बाइडेन को मिले. इतना ही याद रखो, किस पर डिस्कशन वगैरह हुआ है रीड मोर करके पढ़ लेना. अकॉर्डिंग टू सोर्सेस दे क्रैक्ड जोक्स अबाउट प्रेजेंस ऑफ 5 बाइडेन इन इंडिया. ठीक है, हाँ, जो बाइडेन का इंडिया के साथ कनेक्शन है. ठीक है, हु इज ऑन अ 3-day यूएस टूर रिप्लाइड दैट ही वॉज कैरिंग सेम जीनोलॉजी पेपर्स अलॉन्ग विद द यूएस प्रेसिडेंट टू लुक एट. मतलब जो बाइडेन की कुछ फैमिली का पार्ट इंडिया में है. प्रेसिडेंट बाइडेन जब मुंबई में आए थे 2013 में, समझा, तो उसको ऑडियंस में किसी ने बोला था कि आपके डिस्टेंट रिलेटिव यहाँ पे, बस ये सब फालतू की बातें हैं. हाँ, बायलैटरल मीटिंग प्रेजेंटेड देम एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस ऑल इश्यूज रिलेटिंग टू COVID-19 पैंडेमिक, क्लाइमेट चेंज एंड क्वाड इन डिटेल. ये तीन चीजों पर डिस्कस किया, बस इतना ही याद रखना है तुम लोगों को. क्लाइमेट चेंज इनके डिस्कशन का पार्ट था, जो बाइडेन ने खुद ही बोल दिया. देखो, इंडो पैसिफिक, फ्री ओपन इंडो पैसिफिक एंड टैकलिंग एवरीथिंग, आपको क्लाइमेट चेंज टू
कोविड-19 इतना ही याद रखो, सितंबर 21 में मिले थे ये लोग, एग्जैक्ट डेट याद रखनी नहीं है, तो भी सितंबर 21 में जो बाइडेन को मिले थे। 47th जो बाइडेन कौन से प्रेसिडेंट है, अगर आप बात करो यहाँ पे लिखना है तो लिख लो जो बाइडेन, ठीक है। 46th प्रेसिडेंट है, और उसके पहले वो क्या थे, 47th वाइस प्रेसिडेंट है उसके पहले, ठीक है। इनकी खुद की वाइस, वो वाइस प्रेसिडेंट कब थे, बराक ओबामा के टाइम में, इनकी खुद की वाइस प्रेसिडेंट कौन है, कमला हैरिस, ठीक है। और ये खुद जनवरी 21 में क्या बने, प्रेसिडेंट बने यूएसए के, कौन सी पार्टी है इनकी, डेमोक्रेटिक पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। वहां पे ऐसी चार पार्टीज ही होती है, लेबर पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक सबसे बड़ी है, लेबर और एक पार्टी है मुझे अभी भी याद नहीं है, कंजर्वेटिव या ऐसा कुछ तो नाम है उनका। हाउडी मोदी छोड़ दो, बहुत बहुत पुराना है यार ये हाउडी मोदी, 22 सितंबर 2019, सब छोड़ दो। राजनाथ सिंह बिकम्स फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर टू फ्लाई LCA तेजस। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली ऐसा किया था, कब किया था देख लेते हैं, अगर ज्यादा पुराना नहीं होगा तो याद रखेंगे, डेट नहीं दी आपके पास राज, फिर भी आपको ये तो याद रखना ही पड़ेगा कि राजनाथ सिंह इज टेकिंग तेजस, कब की बात है, 1 जुलाई 2020, पिछले साल की बात है ऑब्वियसली, समझा यहाँ पे, टू बूस्ट द मोरल ऑफ दोज हु आर इन्वॉल्व्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो इन्होंने 2019 राजनाथ सिंह इन फाइटर जेट तेजस 2019 में पीछे बैठे थे, 2020 में खुद चलाया, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत पुरानी बात है। कमर्शियल रोल आउट ऑफ जियो फाइबर ये भी छोड़ दो, बुक्स एंड देयर ऑथर्स याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा हम लीडर्स में एक और दो लीडर्स की बात कर ही लेते हैं, अब पढ़ ही रहे हैं तो, एक है पुतिन, क्योंकि रशिया हमारे कंट्री के साथ अच्छा खासा जमता है, तो व्लादिमीर पुतिन के बारे में कुछ बेसिक्स पढ़ लो, ठीक है। विकिपीडिया ज्यादा मत पढ़ो, क्योंकि इनके ऊपर अभी KBC में भी सवाल आया था, इन्होंने अपने आप को 2036 तक कुछ तो प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया है, समझा। देखो प्राइम मिनिस्टर व्लादिमीर पुतिन कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, इनकम्बेंट मतलब है अभी भी वो है, कब से है, 7 मई 2012 से है, समझा, कब से, 7 मई 2012, इनके पहले कोई तो डिमित्री नाम का था, छोड़ दो, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, इनका एक इंपॉर्टेंट चीज है पर्सनल डिटेल, ये 69 ईयर्स के है, पॉलिटिकल पार्टी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। स्पाउस छोड़ दो, चिल्ड्रन एटलीस्ट टू, लिखते कैसे देखो ये लोग इनके चिल्ड्रन के बारे में, शायद दो होंगे कम से कम, इतना इनका लाइफ सीक्रेटिव है इनके प्राइम मिनिस्टर का, समझा, यहाँ पे इनके प्रेसिडेंट का, मिलिट्री में थे, ब्ला 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 ब्ला, इन्होंने अपने आप को 36 तक कुछ तो ये डिक्लेयर कर दिया है, KGB वगैरह, हाँ ये KGB में थे बेटा, KGB मतलब वहाँ का सीक्रेट सर्विस है, समझा। व्लादिमीर पुतिन वहाँ के सीक्रेट सर्विसेज में भी काम कर चुके हैं, बिलियनर है, बहुत रिच है, ठीक है, तो ज़्यादा याद नहीं रखने का अपने को, इसमें कितना याद रखना है, एक इम्पॉर्टेंट लाइन नहीं मिल रही है मुझे, अगर मिल जाती तो मैं तुमको बताता, बट इतना ही याद रखो कि ये रशिया के प्रेसिडेंट है, हाँ ये इंटेलिजेंस एजेंट थे किधर, KGB में, बट उसके ऊपर सवाल नहीं पूछेंगे आपको, डोंट वरी, समझा। यहाँ पे KGB करियर 1975 में पुतिन ने KGB ज्वाइन किया था, ठीक है छोड़ दो, नहीं पढ़ने का आपको पुतिन के बारे में। अब ये याद रखने वाली चीजें हैं क्या, नरेंद्र मोदी जी और उनके बुक्स, कर्म योद्धा ग्रंथ, कर्म मतलब काम करने वाला, योद्धा मतलब, योद्धा मतलब फाइटर, ठीक है। तो कर्म योद्धा ग्रंथ ऑन द लाइफ ऑफ PM नरेंद्र मोदी, किस पे बनी है ये, PM नरेंद्र मोदी। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह रिलीज द बुक, रिलीज किसने की, अमित शाह ने, कर्म योद्धा ग्रंथ जो लाइफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर के ऊपर लिखी है, January 7, 2020 को रिलीज हुई। बुक एक्सप्लेन्स वेरियस वर्क्स ऑफ PM मोदी ड्यूरिंग हिज टेन्योर। एज पर द बुक, नरेंद्र मोदी गेव द स्टेट्स 10% मोर बजट, विच रिफ्लेक्ट द फुलफिलमेंट ऑफ अंतोदया रेजोल्यूशन ऑफ पंडित दीन दयाल। मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को जो पैसा देता है उसमें मिस्टर मोदी जी ने 10% बढ़ावा कर दिया, मिस्टर मोदी जी ने बोला हम 10% ज्यादा पैसा देंगे, एज प्रोमिस्ड बाय होम पंडित दीन दयाल इन विच रेजोल्यूशन, अंतोदया रेजोल्यूशन, समझा। यहाँ पे द बुक इन्फॉर्म्स दैट हेल्थ फैसिलिटीज आर बींग प्रोवाइडेड टू द पीपल अंडर आयुष्मान योजना, विच इज अ ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ नरेंद्र मोदी। वंस अगेन, तो हेल्थ फैसिलिटीज के लिए कौन सी योजना है,
हेल्थ के लिए आयुष्मान योजना है और ये किसका ड्रीम प्रोजेक्ट है? मिस्टर नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके अलावा कौन सी फैसिलिटीज दे रहे हैं वो लोग? हेल्थ फैसिलिटीज के अलावा उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए 10% ज्यादा बजट में प्रोविजन किया है, दैट इज अंतोदया रेजोल्यूशन, याद रखना। टर्ब्यूलेंस एंड ट्रायम्फ, टर्ब्यूलेंस मतलब प्रॉब्लमेटिक टाइम्स, ट्रायम्फ मतलब विनिंग, समझा? यहाँ पे द मोदी इयर्स बाय राहुल अग्रवाल एंड भारती एस प्रधान। अ पिक्टोरियल बुक ट्रेसेस द जर्नी अगेन, तो दो चीजें है। कर्मयोद्धा ग्रंथ इज ऑल्सो अबाउट हुम, नरेंद्र मोदी इज लाइफ, ठीक है, हिज टेन्योर, एक सेकेंड, वेरियस वर्क ड्यूरिंग हिज टेन्योर, ज्यादा लाइफ के ऊपर नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर से लेके प्राइम मिनिस्टर बने, इन सब के दौरान उन्होंने क्या क्या किया, ये है कर्मयोद्धा ग्रंथ में, कि हम उनके काम के बारे में बता रहा है और उनकी लाइफ के बारे में क्या है, टर्ब्यूलेंस एंड ट्रायम्फ द मोदी इयर्स, ठीक है। इट ट्रेसेस द जर्नी ऑफ नरेंद्र मोदी फ्रॉम हिज डेज एज अ यंग बॉय, तो लाइफ के ऊपर ये है टर्ब्यूलेंस एंड ट्रायम्फ, दिस इज ऑन लाइफ, दिस इज ऑन वर्क, मस्त। हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, समझा? यहाँ पे फ्रॉम वाडनगर इन गुजरात टू न्यू दिल्ली 7 मतलब उनके अभी के घर का पता। लोक कल्याण मार्ग एज द, बच्चों हमारे प्राइम मिनिस्टर इधर रहते हैं, सर आई सॉल्व अ बुलेटिन फॉर इकोनॉमिक और क्वेश्चंस रॉन्ग हो गया तो क्या लर्न कर, तो जो सही है वही लर्न करो ना बेटा, लॉन्ग मतलब क्या हुआ, समझा? तो लाइफ के ऊपर बुक है ट्रायम्फ एंड टर्ब्यूलेंस एंड ट्रायम्फ, याद रखना लाइफ के ऊपर टर्ब्यूलेंस एंड ट्रायम्फ। सर दिल्ली 7 लोक कल्याण मार्ग क्या है? ये प्रेसिडेंट के घर का पता है, जैसे राष्ट्रीय भवन होता है ना वैसे, समझा? यहाँ पे प्रेसिडेंट के घर का पता, कहाँ से शुरुआत की इन्होंने, वार्डनगर से न्यू दिल्ली तक, समझा? मिनिस्टर ऑफ इंडिया द बुक टाइटल टर्ब्यूलेंस एंड ट्रायम्फ द मोदी इयर्स, ऑथर्ड बाय कौन ऑथर है? राहुल अग्रवाल एंड भारती एस प्रधान, इज रिप्लीट विद एनेक्डोट्स फ्रॉम फैमिली, सब कुछ मतलब लोगों से बात कर करके, एनेक्डोट्स मतलब लोगों से छोटी मोटी स्टोरीज, फैमिली के, फ्रेंड्स के, कलीग्स के, एसोसिएट्स के, लीडर्स के टेस्टिमोनियल्स, कि आपको ये कैसे लगते हैं, जैसे टेस्टिमोनियल्स क्लास वाले भी लेते हैं ना, क्लास के बारे में अच्छी अच्छी बातें करो और वो लिख के फिर पूरे वेबसाइट पे घुमाते हैं, वैसा टेस्टिमोनियल्स ऑफ लीडर्स फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड अक्रॉस पार्टी लाइन्स, अक्रॉस पार्टी लाइन्स मतलब कांग्रेस वांग्रेस के लोगों से भी इन्होंने टेस्टिमोनियल्स देके उसमें डाले हैं। इट इज पब्लिश बाय ओम बुक्स इंटरनेशनल, किसने पब्लिश किया ये? ओम बुक्स इंटरनेशनल, द पॉलिटिशियन, द लीडर, द ओरेटर एंड द ascetic, ascetic मतलब तपस्या करने वाला, ascetic मतलब तपस्वी, जो तपस्या करते हैं, committed to the idea of new India composed into single frame by the authors, समझा? ठीक है, तो orator मतलब जो अच्छी speeches देता है, leader तो है ही वो, politician भी है। Now an important one is Savarkar, echoes from the forgotten past, हमारी जो history तुम लोगों ने पढ़ी, बच्चों history is one of my most favorite subject, Indian history बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है और बहुत रिसर्च मैंने की है इंडियन हिस्ट्री पे, बहुत मतलब बहुत ज्यादा नहीं बट मैंने पढ़ा है, और उसमें ना बात एक समझो बच्चों, हमारे स्कूल के टेक्स्ट बुक्स, कोई भी बोर्ड ले लो, मैं बोर्ड का नाम नहीं लूंगा, कोई भी बोर्ड ले लो, हमारी स्कूल के टेक्स्ट बुक्स में हमारी रियल हिस्ट्री ठीक से रिफ्लेक्ट नहीं होती, इसीलिए आप अगर सर्च करोगे ना तो आपको पता चलेगा कुछ लीडर्स जिन्होंने क्या नहीं किया इस देश के लिए उनके नाम ही गायब है, और एक्चुअली बिकॉज आई वॉज ब्रॉट अप इन नासिक एंड मिस्टर सावरकर, समझा, मिस्टर विनायक दामोदर सावरकर जो थे वो नासिक में ही, नासिक के पास ही 5-10 kilometers पे गांव है, वहां पे पैदा हुए, नासिक में इनकी बहुत रिस्पेक्ट भी होती है, सो आई हैव हर्ड अबाउट एंड देन आई हैव रेड अबाउट, और आप इनकी मूवी देखना जो राजकुमार राव ने इनका रोल प्ले किया है शायद सावरकर में, समझा? दिस पर्सन विनायक दामोदर सावरकर, आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि ये क्या, उनको रखा गया था अंडमान में, ठीक है, अंडमान में जेल में रखा था जिसको काला पानी बोलते थे, वहां से भाग निकले थे, फिर से पकड़े गए और हम 1947 में इंडिपेंडेंट हो गए, हम 1947 में इंडिपेंडेंट हो गए थे, समझा यहाँ पे, ठीक है, बट इनके साथ उसके बाद भी बहुत टॉर्चर हुआ है, समझा, कांग्रेस गवर्नमेंट। सो एकोज फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट 1883 से 1924 बुक डिस्क्राइब्स द लाइफ ऑफ फ्रीडम फाइटर एंड फिलोसोफर विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर बोला जाता था। फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द 2-volume सीरीज, देखो इनके लाइफ के ऊपर जो बुक बनी है इसमें 2 volumes है। इट एक्सप्रेसेस एंड एक्सप्लेन्स द इंसिडेंट्स फ्रॉम हिज बर्थ, कब पैदा हुए ये 1883 में, टू हिज कंडीशनल रिलीज टू रत्नागिरी इन 1924, इनको 1924 में रिलीज किया गया बट कंडीशनल था, समझा? यहाँ पे द यूनिकनेस ऑफ द न्यू बुक इन द हिस्टोरियन इज द हिस्टोरियन विक्रम संपत, इन्होंने ये नई बुक बनाई और उन्होंने ऑफन मिस्ड आउट एस्पेक्ट जो थे उनके लाइफ के बारे में, सावरकर के बारे में जो
विनायक या वीर सावरकर के बारे में जो ऐसे पार्ट्स थे जो मिस्ड आउट थे वो हमारे सामने लाए। ऐसा क्यों बेटा? अगर आप हिस्ट्री गौर से पढ़ोगे ना तो हिस्ट्री काफी ज्यादा पॉलिटिसाइज्ड है अपनी, ठीक है। हमारी देश में, हमारी देश की इंडिपेंडेंस के लिए कांग्रेस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, बट ये जो कांग्रेस थी, ये जो कांग्रेस थी, ऐसा समझो कि गांधी जी के आने तक काफी सारे लीडर्स का कांग्रेस पे कंट्रोल था। तो बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स इस कांग्रेस को कंट्रोल करती थी, तो एक फैमिली नहीं करती थी, बट गांधी जी आए, उसके बाद नेहरू आए और कांग्रेस पूरा उनके हाथ में चला गया 1930 से। ऐसा समझो 1930 से कांग्रेस पूरा नेहरू और गांधी जी के हाथ में ही था, महात्मा गांधी और नेहरू, और उन्होंने बस एक ही एम था इनका, जिस दिन ब्रिटिशर्स जाएंगे कंट्रोल अपने हाथ में आना चाहिए, इतना बड़ा देश अपने हाथ में कंट्रोल आना चाहिए, दैट वॉज द ओनली एम। आप अगर सावरकर की मूवी भी देखोगे या सुभाष चंद्र बोस वाली मूवी भी देखोगे तो उस पर पता चलेगा आपको क्लियरली कि वॉट कांग्रेस वॉज एमिंग टूवर्ड्स। सो आई एम नॉट इन फेवर और अगेंस्ट ऑफ कांग्रेस वॉट इट इज टूडे, मैं अभी भी बोलता हूँ, मैंने आपको फायर प्लान्स के वक्त भी बोला कि यस कांग्रेस ने 1947 से लेके यहाँ तक अपने देश को जो लाया है 1990s तक कुछ अच्छे काम किए हैं और बहुत ऊपर लाया अपने देश को, वापस ब्रिटिशर्स के हाथ में जाने नहीं दिया, ये अच्छा काम है, बट उसके साथ उन्होंने भी कुछ बुरे काम किए ही होंगे, समझा। सो ध्यान दो इधर, ये सब पॉलिटिसाइज था। भगत सिंह वाली मूवी भी देखोगे ना, अजय देवगन की, उसमें भी उन्होंने वही बोला कि कांग्रेस का मेन एम यही था कि जिस दिन ब्रिटिशर्स जाएंगे राज उनके हाथ में आना चाहिए, समझा। देश की भलाई से ज्यादा उनका मेन एम ये था, और कांग्रेस में सारे अपर कास्ट ब्राह्मण्स और रिच लोग हुआ करते थे, समझा, जिनका ब्रिटिशर्स के साथ अच्छा खासा जमता था। चलो, सो लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग बाय श्री एम वेंकैया नायडू, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, समझा। द बुक लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग, तीन चीजें बोलिए, सुनो, सीखो और उसके हिसाब से लोगों को लीड करो। लिसनिंग लर्निंग लीडिंग, समझा, वॉज लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स श्री अमित शाह। फिर से अमित शाह जी ने इसे लॉन्च किया 2019 चेन्नई में। किसने, किसके ऊपर है? बेस्ड ऑन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री एम वेंकैया नायडू 2 years इन ऑफिस, उन्होंने 2 साल में क्या किया उसके ऊपर बेस्ड है। द बुक कैप्चर्स ग्लिम्पसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट 330 पब्लिक एंगेजमेंट, 330 दो साल में 330 पब्लिक एंगेजमेंट्स हुए, ठीक है, पूरे दुनिया, पूरे इंडिया में, ठीक है, उसकी एक आइडिया दे रहे, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। तो किसके किसके बारे में याद रखना है? मोदी जी ने एज अ प्राइम मिनिस्टर क्या किया है? कर्मयोद्धा ग्रंथ, उनके लाइफ में क्या किया है, ठीक है, एज अ प्राइम मिनिस्टर क्या किया है? कर्मयोद्धा ग्रंथ। उन्होंने लाइफ में क्या किया है? टर्बुलेंस एंड ट्रायंफ, समझा। यहाँ पे वीर सावर के बारे में, वीर सावरकर के बारे में, एकोस सावरकर एकोस फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट, सर अभी भी वही होता है कांग्रेस में। अभी छोड़ो यार, क्या डिस्कशन, पॉलिटिकल डिस्कशंस करके फायदा नहीं है। आज हिस्ट्री वॉज वेरी गुड, बट अपने टेक्स्ट बुक्स में कहीं पे भी अपनी हिस्ट्री अपने को जैसी दिखानी चाहिए वैसी दिखाई नहीं जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, विवेक दीपिनी, नाम ही लिखा है, देखो विवेक दीपिनी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने फिर से एक बुक रिलीज की, विवेक दीपिनी, एक छोटी सी बुक of aphorisms on July 7, 2019, it was initially written by Adi Shankaracharya, who is one of India's greatest spiritual and literary geniuses, ठीक है। तो इन्होंने लिखी थी, और ये बुक विवेक दीपिनी इस समरी ऑफ किसके ऊपर है, एक सेकेंड ना, इट इज अ समरी ऑफ प्रश्नोत्तर रत्नमालिका, प्रश्नोत्तर मतलब क्वेश्चन आंसर्स, इट इज अ समरी ऑफ क्वेश्चन आंसर्स रिटन बाय आदि शंकराचार्य। इसमें 36 वर्सेस है, 67 फ्रॉम ड्रॉन फ्रॉम 67 वर्सेस, 67 को 36 में कन्वर्ट करके यहाँ पे दिखा दिया है। प्लीज ध्यान दो, आदि शंकराचार्य ने एक बुक लॉन्च की थी, ठीक है, प्रश्नोत्तर रत्नमालिका, प्रश्नोत्तर रत्नमालिका उन्होंने एक बुक लॉन्च की थी, फिर हमारे वेंकैया नायडू ने इसको छोटा किया, कंसाइज किया, और 67 वर्सेस जो थे उस बुक में उसको 36 में कन्वर्ट किया। ये सब क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है, इसमें आपको सिखाया जाता है, आप एक सवाल पूछो और जवाब में जो जवाब दिया है वो आपका लाइफ लेसन है, समझा। इट कंटेन्स यूनिवर्सल ट्रूथ्स एंड आर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ब्ला ब्ला ब्ला, छोड़ दो। इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी, बंगाली, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी, गुजराती एंड ओडिया। कौन सी स्टेट की कौन सी लैंग्वेज है बताया ना आपको? इंग्लिश तो, इंग्लिश और हिंदी तो ऐसे इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स की लैंग्वेज है, बंगाली बंगाल से, कन्नड़ा कर्नाटका की लैंग्वेज है, तेलुगु आंध्र प्रदेश और आई गेस तेलंगाना की भी लैंग्वेज है, तमिल इज फ्रॉम तमिलनाडु, मलयालम इज केरला, मराठी महाराष्ट्र, गुजराती गुजरात, ओडिया ओडिशा, ये उन स्टेट्स की लैंग्वेजेस है। It has shown the glimpses of India's wisdom in most lucid language.
सवाल जवाब में आपको लाइफ लेसन्स दे रही है ये बुक, समझा यहाँ पे। द वाइस प्रेसिडेंट इन द बुक हैज स्ट्रेस द नीड टू क्रिएट अ सोसाइटी दैट एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट शेयर एंड केयर, शेयरिंग इज केयरिंग वाली सोसाइटी क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर से आते हैं स्पोर्ट्स पे, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड January 31, 2020 को है, तो ये भी लेटेस्ट हम लोगों को अवार्ड सारे देखने पड़ेंगे। कॉमनवेल्थ फेडरेशन का लेटेस्ट गेम्स किधर हुआ, ओलंपिक्स हमारे कब हुए, हाँ चलो ओलंपिक्स के बारे में तो पढ़ेंगे, ज्यादा पुराना नहीं है, भले ही होना कब था 2020 में, हुआ कब 2021 में। फिर 56 years of having organized the Olympic Games, the Japanese capital will be holding the summer edition, बेटा summer Olympics, winter Olympics और वो अपना कौन सा ओलंपिक्स होता है, पैरालंपिक्स, समझा। तो ऐसे तीन चार तरीके के ओलंपिक्स होते हैं, समर ओलंपिक्स ये वाले थे, नॉर्मल जो ओलंपिक्स होते हैं समर ओलंपिक्स होते हैं, विंटर ओलंपिक्स अलग होते हैं, उसमें सारे विंटर से रिलेटेड गेम्स होते हैं, स्कीइंग और वो सब, ये सब ई बुलेटिन में है, तो वही बोल रहा हूँ ये सब अभी देखना ही नहीं। ओलंपिक्स हमने देख लिया था, हाँ सॉरी, आई एम सो सॉरी, हमने विंटर ओलंपिक्स और समर ओलंपिक्स देख लिया था, विंटर ओलंपिक्स के बारे में छोड़ दो, होने वाला है इतना ही याद रखो, विंटर ओलंपिक्स February 4, 2024 से लेके 2022 में होगा, बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स होने वाला है, इसके लिए बिडिंग हुई थी, ठीक है। और विंटर गेम्स बिडिंग 2015 में ही जीत गया था चाइना, और 2022 के फरवरी में विंटर ओलंपिक्स होने वाला है, समझा यहाँ पे, बस इतना याद रखो। विद द विजन ऑफ जॉयफुल रॉन्देवू अपॉन प्योर आइस एंड स्नो, जॉयफुल रॉन्देवू मतलब रॉन्देवू इज मीटिंग, इट इज रॉन्देवू, इसको रॉन्देवू बोला जाता है। यू कैन आस्क योर बिजनेस कम्युनिकेशन का मैम कि मैम इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, बिकॉज ऑब्वियसली उनका प्रोनाउंसिएशन मुझसे बेटर होगा, समझा। सो इट इज रॉन्देवू, ठीक है। सो विद अ विजन ऑफ जॉयफुल रॉन्देवू अपॉन प्योर आइस एंड स्नो, बीजिंग 2022 विल बिल्ड ऑन द लेगेसीज ऑफ द लैंडमार्क ऑफ बीजिंग 2008 ओलंपिक गेम्स, ब्ला ब्ला ब्ला, द 109 इवेंट्स इन 7 ओलंपिक विंटर स्पोर्ट्स, सेवेंथ विल विंटर स्पोर्ट्स, सिर्फ तो विंटर ओलंपिक्स में कितने स्पोर्ट्स होते हैं, सिर्फ 7, उसमें कितने इवेंट्स होंगे 109, बेटा स्पोर्ट्स 7 है मतलब जैसे स्कीइंग, स्कीइंग में अलग अलग लेवल्स होंगे, ठीक है, मेंस विमेंस एज या फिर वेट वाइज, तो ऐसे 109 इवेंट्स स्कीइंग के रिलेटेड होंगे, तो स्पोर्ट्स स्कीइंग है उसमें अलग अलग इवेंट्स होंगे, 3 जोन्स में होगा, बीजिंग, यांकिंग एंड जांगजियाओ कू कुछ तो भी, ठीक है। नेक्स्ट खेलो इंडिया प्रोग्राम, खेलो इंडिया हैज बीन इंट्रोड्यूस टू रिवाइव स्पोर्ट्स कल्चर इन इंडिया एट अ ग्रास रूट लेवल बाय बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क फॉर द स्पोर्ट्स प्लेड इन आर कंट्री एंड एस्टैब्लिश इंडिया एज अ ग्रेट स्पोर्टिंग नेशन, टू अकम्प्लिश द अबव ऑब्जेक्टिव खेलो इंडिया विल बी डिवाइडेड इंटू 12 वर्टिकल्स, ये 12 वर्टिकल्स खेलो इंडिया के याद रखो, प्ले फील्ड डेवलपमेंट, कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट, ठीक है, स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स, एनुअल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन एंड क्रिएशन, अपग्रेडेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या क्या बोला इन्होंने, सबसे पहले प्ले फील्ड डेवलपमेंट, लोगों को खेलने के लिए जगह नहीं वो डेवलप करो, कम्युनिटी कोचिंग करो, एक एक जन कोचिंग जाएगा पूरा कम्युनिटी को कोच करो ताकि स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा कर पाए, स्टेट लेवल सेंटर्स बनाओ, साल के एनुअल कॉम्पिटिशन होल्ड करो, टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि कुछ लोग सच में टैलेंटेड होते हैं बट उनको मौका नहीं मिलता, कुछ लोग मजबूर होते हैं इसीलिए स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, तो ढूंढो ऐसे लोगों को प्रमोट करो, सर बट वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज है, तो उसके वो प्रॉब्लम सॉल्व करो, यूटिलाइजेशन क्रिएशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे कंट्री में कुछ सिटीज में सच में अच्छे सेंटर्स है, कुछ सिटीज के पास अच्छे सेंटर्स ही नहीं है, ना कोई प्लेग्राउंड है, ना कोई स्विमिंग पूल है, ना कुछ कुछ है, कहाँ से लोग सीखेंगे, समझा। सपोर्ट टू नेशनल रीजनल स्टेट स्पोर्ट्स अकेडमीज, समझा, नेशनल स्पोर्ट्स अकेडमी, स्टेट स्पोर्ट्स अकेडमी, रीजनल स्पोर्ट्स अकेडमी, इनको सपोर्ट किया जाएगा खेलो इंडिया में। फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन, ठीक है, तो आजकल स्कूल्स में अभी तो पैंडेमिक चालू है इसलिए स्कूल्स बंद है, बट अब धीरे धीरे स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं, तो वहाँ पे फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दिया जा रहा है। स्पोर्ट्स फॉर वुमेन, प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अमंग पीपल विद डिसेबिलिटीज, क्योंकि पैरालंपिक्स में हम अच्छे खासे मेडल जीत रहे हैं। स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, समझा, स्पोर्ट्स के थ्रू ट्राइंग टू डेवलप पीस एंड प्रमोशन ऑफ रूरल एंड इंडिजीनियस ट्राइबल गेम्स, लोकल गेम्स, समझा, इनको प्रमोट करना। कपिल देव फर्स्ट चांसलर ऑफ राय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, इतना ही याद रखो, कपिल देव क्या थे, फर्स्ट चांसलर ऑफ एक बेटा यूनिवर्सिटी के जो हेड होते हैं उनको चांसलर बोला जाता है, तो कपिल देव सर हरियाणा गवर्नमेंट ने पहली यूनिवर्सिटी, बच्चा हरियाणा गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट, सबसे ज्यादा हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा से काफी ज्यादा ओलंपिक मेडलिस्ट मिलते हैं हमें, समझा, तो अच्छा खासा स्पोर्ट्स को प्रमोट करते, तो उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई राय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, और कपिल देव सर को उसका फर्स्ट चांसलर बनाया, तो किधर है ये राय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, हरियाणा में है, मतलब यहाँ पे कोर्सेज ही स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, सोचो फाइनली वी आर इंस्टीट्यूशनलाइजिंग थिंग्स,
अब आप एक स्पोर्ट्स में एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी का कोर्स कर सकते हो, समझा। इसके लिए हरियाणा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है अनिल विज, इन्होंने प्रपोजल को अप्रूव किया था, ठीक है, और वो सब किया। इसमें ज्यादा याद नहीं रखने का, पीवी सिंधु को गोल्ड मेडल, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लैंग्वेजेस एंड नेशनल सिंबल्स, ये इंपॉर्टेंट है। पहले नेशनल सिंबल्स पे जाते हैं, लैंग्वेजेस पे बाद में जाएंगे, ठीक है। लैंग्वेजेस के बारे में मैं आपको एक डिटेल दूंगा। इंडिया में लैंग्वेजेस बहुत है, बट ऑफिशियली एक्सक्यूज मी रिकॉग्नाइज कुछ 22 या 23 लैंग्वेजेस है। 23 रिकॉग्नाइज 23 लैंग्वेजेस है। लैंग्वेज टुडे 7111 लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन द वर्ल्ड। दुनिया में 711 लैंग्वेजेस 7111 लैंग्वेजेस बोली जाती है, ठीक है। बट ओनली 23 लैंग्वेजेस अकाउंट फॉर मोर देन हाफ ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। दुनिया की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन कितनी लैंग्वेजेस में बात करती है? 23 ही लैंग्वेजेस की बात करती है। एक सेकेंड ना, आधी से ज्यादा पॉपुलेशन 23। इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेज, बच्चों एक बात याद रखना, इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इफ यू नो दिस देन आई एम वेरी मच ग्लैड। इंडिया डज नॉट हैव अ नेशनल लैंग्वेज, वी ओनली हैव ऑफिशियल लैंग्वेज। बच्चों ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है ये समझो। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट जब आपके साथ कोई ट्रांजैक्शन करेगी, गवर्नमेंट का कोई फॉर्म भरना है, गवर्नमेंट की कोई एग्जाम देनी है, तो इन्हीं लैंग्वेजेस में क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। गवर्नमेंट के ऑफिशियल कामों के लिए ये लैंग्वेजेस यूज होंगी, हिंदी, इंग्लिश और इसके अलावा और 22 या 23 लैंग्वेजेस इंडिया में है। एक सेकेंड वो देख ही लेता हूं। हाँ, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है हमारे पास। बच्चों 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस का मीनिंग समझो, हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट के पेपर्स निकलते हैं, यूपीएससी के एग्जाम्स, रेलवेज के एग्जाम्स, जो सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट यूपीएससी के एग्जाम्स जो होल्ड करता है, रेलवेज के एग्जाम जो होल्ड करता है, वो उसके क्वेश्चन पेपर्स 22 लैंग्वेजेस में आपके लिए अवेलेबल है। हर स्टेट अपनी स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज चूज कर सकता है। जैसे मैं महाराष्ट्र में बैठा हूं, तो महाराष्ट्र में इंग्लिश और मराठी ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। सर व्हाट डज दिस मीन, इसका मीनिंग समझो। बेटा महाराष्ट्र में अगर मुझे गवर्नमेंट का, आपको कितनी लैंग्वेज आती है? मेरे को मारवाड़ी, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, चार लैंग्वेजेस आती है बस। आई वॉन्ट टू लर्न अ फ्यू मोर लैंग्वेजेस, थोड़ी बहुत गुजराती बोल लेता हूं मैं, बट ज्यादा कुछ नहीं, नॉट मच, थोड़ी बहुत ऐसे ही, ध्यान दो इधर। तो बेटा स्टेट गवर्नमेंट, अब महाराष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और मराठी है, तो आपको पता है कि पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, बट जब अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो, एक बात समझो, अगर मुझे कोर्ट में कुछ काम है ना, कोर्ट में तो जो डीड बनानी पड़ती है या जो भी मुझे लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं ना, इंग्लिश और मराठी में ट्रांसलेशन करके फिर कोर्ट में सबमिट करना पड़ता है, समझा। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्म्स इंग्लिश और मराठी में ही मिलेंगे, गुजरात स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्म्स इंग्लिश और गुजराती में मिलेंगे, और अगर आप तमिलनाडु चले जाओ तो वहां के स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्म्स इंग्लिश और तमिल में ही रहेंगे। महाराष्ट्र में जो एमपीएससी के एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का है, महाराष्ट्र का एमपीएससी एग्जाम्स है, हर स्टेट का कोई ना कोई सर्विस कमीशन का एग्जाम होता है, इंग्लिश में पेपर आता है, मराठी में पेपर, और शायद हिंदी में आता है महाराष्ट्र का, बट इन दोनों में पक्का आता है। क्योंकि क्या होता है पता है क्या, इंडिया में जब ये डिसाइड करना था कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज क्या होगी, इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है, और इंडिया में जब नेशनल लैंग्वेज डिसाइड करना था तो सिर्फ 40% ऑफ द पॉपुलेशन वर स्पीकिंग हिंदी। सबसे बड़ी लैंग्वेज, सबसे ज्यादा लोग हिंदी बात कर रहे थे, बट वो कितने थे? 40%, और वो भी मैक्सिमम नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, जम्मू कश्मीर से थोड़ा नीचे, हरियाणा से लेके एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान, थोड़ा बंगाल का पार्ट, थोड़ा गुजरात का पार्ट, बाकी कुछ नहीं। ओडिशा में नहीं था, गुजरात में नहीं था, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती थी, साउथ के 5 स्टेट्स में 4 लैंग्वेजेस बोली जाती है, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा। तो प्रॉब्लम ये था कि अगर आप पूरे इंडिया के लिए हिंदी को मेन लैंग्वेज, और बेटा हमारे मैक्सिमम प्राइम मिनिस्टर्स जो हुए हैं वो नॉर्थ से ही हुए हैं, मैक्सिमम नॉर्थ से हुए हैं, कांग्रेस के जमाने में, यूपी वगैरह से, तो वो हिंदी को अगर नेशनल लैंग्वेज बना देते तो बाकी के बहुत सारे लोगों ने इस पे लिटरली आंदोलन किए कि हिंदी नहीं बनना चाहिए नेशनल लैंग्वेज, फिर उन्होंने उसको ऑफिशियल बना। देखो गलती है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, बट इसको फिर देवर रेडी, साउथ के स्टेट्स वर रेडी कि आप इंग्लिश को नेशनल लैंग्वेज बनाओ, बट हिंदी को नहीं। फिर नॉर्थ वाले नाराज हो गए कि आप हिंदी को नहीं बना रहे, इंग्लिश को कैसे बनाने देंगे। तो हमने बोला ठीक है कि कोई नेशनल लैंग्वेज होगी नहीं, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस होंगी।
समझा, हर स्टेट अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर सकता है। जैसे ही आपने डिक्लेयर कर दिया कि आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, आपके स्टेट गवर्नमेंट का काम उस लैंग्वेज में हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, ये सब छोड़ दो, लैंग्वेजेस के बारे में कल पढ़ेंगे। अब जाते हैं नेशनल सिंबल्स, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये तो चेंज होने वाले नहीं है, ये हमारी आइडेंटिटी है, इसीलिए आपको याद रखना पड़ेगा। फ्लैग, हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग को बोला जाता है ट्राइकलर। ट्राइकलर में तीन मेन कलर्स होते हैं, सबसे ऊपर सैफरन, सैफरन एट द टॉप, ठीक है, व्हाइट इन द मिडल एंड डार्क ग्रीन एट द बॉटम। समझा, द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ द फ्लैग टू इट्स लेंथ इज 2:3। मतलब ये अगर 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर्स है, याद रखो ये 2 है तो ये 3 होना चाहिए, याद रखो। इफ दिस इज 2, द विड्थ इज 2, दिस इज ट्रबलिंग मी अ लॉट टुडे, इफ दिस इज 2, दिस हैज टू बी 3, याद रखना, विड्थ इज टू लेंथ 2:3 होना चाहिए कंपल्सरी। ठीक है, इन द सेंटर देर इज अ नेवी ब्लू व्हील जिसमें कितने स्पोक्स है, भूलना मत, तब हमारे पास सिर्फ 24 स्टेट्स थे। बेटा हमारे पास स्टेट्स कितने थे, 24, तो स्पोक्स कितने हैं, 24, समझा। तो इस नेशनल फ्लैग में यहाँ पे जो स्पोक्स है वो 24 है, और वो कौन से कलर में है, नेवी ब्लू, याद रखना पड़ेगा, इट इज अ चक्र। सैफरन क्या इंडिकेट करता है, स्ट्रेंथ और करेज। व्हाइट इंडिकेट करता क्या है, व्हाइट इंडिकेट करता है पीस एंड ट्रूथ, जिसमें एक धर्म चक्र भी है, समझा। तो सैफरन क्या इंडिकेट, सर याद रखना पड़ेगा, ऑब्वियसली यस, सैफरन क्या इंडिकेट करता है, स्ट्रेंथ एंड सैफरन इंडिकेट करता है स्ट्रेंथ एंड करेज, व्हाइट इंडिकेट करता है पीस एंड ट्रूथ, ग्रीन इंडिकेट करता है फर्टिलिटी एंड ऑस्पिशियसनेस ऑफ आर लैंड। समझा, यहाँ पे इट्स डिजाइन इज दैट ऑफ द व्हील विच अपियर्स ऑन द बैकस ऑफ द सारनाथ लायन। अच्छा, ये याद रखना, ये जो व्हील है ना, ये अशोक चक्र, ये कहां पर नजर आता है, कहां पर नजर आता है, अशोक सारनाथ लायन, ये जो पिलर्स है ना, स्टेट एम्बलम, ये भी सारनाथ लायंस है, याद रखना, सारनाथ लायंस है स्टेट एम्बलम, और इसके नीचे एक पिलर है, ये अशोका का पिलर था, राजा अशोका ने ये पिलर बनाया था, पीस का सिंबल वगैरह कुछ था, ध्यान दो इधर, उस पिलर पे ये अशोक चक्र है। समझा, यहाँ पे इट इज, इट्स डायमीटर इज अप्रोक्सीमेट टू द विड्थ ऑफ द व्हाइट बैंड एंड इट हैज 24 स्पोक्स। तो बच्चों इसका डायमीटर कितना रहेगा, इसका डायमीटर रहेगा जितना ये विड्थ है, इधर 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 इसका जो डायमीटर है वो इस विड्थ के जितना रहेगा। समझा, यहाँ पे तो ये अगर 2 है, ये 3 है, और ये जो चक्र है इसका डायामीटर इतना रहेगा, डायामीटर बोला है, रेडियस नहीं, विड्थ ऑफ द व्हाइट बैंड, जितना व्हाइट बैंड है अप्रोक्सीमेटली उतना एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि अगर गौर से देखोगे तो टच नहीं हो रहा है। समझा, यहाँ पे इसमें 24 स्पोक्स है, और ये चक्र कहाँ से उठाया है, सारनाथ लायन वाला जो पिलर है उस पिलर पे अशोक चक्र था वो है। द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वॉज एक्सेप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जुलाई 1947। बच्चों इसके पहले हमारे बहुत सारे फ्लैग्स रह चुके हैं, एक फ्लैग जिसमें बीच में ये था, क्या था, गांधी जी का चरखा था, ऐसे भी फ्लैग्स रह चुके हैं हमारे। ये फ्लैग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट किया, हम इंडिपेंडेंट हुए थे 15 अगस्त 1947 को, उसके पहले हमारा फ्लैग एक्सेप्ट हुआ। कौन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। ब्रिटिशर्स जब देश छोड़ के जा रहे थे, हमारे पास हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, इसलिए हमारे पास वोटिंग नहीं हो सकती थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वोटिंग कैसे होगी, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है पार्लियामेंट कैसा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है देश को चलाएगा कौन, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जिम्मेदारी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे, जिसमें पूरे इंडिया भर के लीडर्स थे, 297 मेंबर्स कुछ थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, याद रखना, पहले ज्यादा थे, बट मुस्लिम लीग इसमें से अलग हो गया और उन्होंने बोला पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाएंगे, मुस्लिम लीग अलग हो गया, ठीक है। तो 297 मेंबर्स, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का इनका काम, इनको काम सौंपा गया था, और ब्रिटिशर्स ने पूरा देश इनके हवाले कर दिया था कि भाई जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता तब तक इलेक्शंस नहीं हो सकते, इलेक्शन नहीं हो सकते तो वोट नहीं हो, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं हो सकती, तब तक के लिए आप इस देश को संभालो। तो ये देश को संभाल रहे थे, तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाया, बट हमारा फ्लैग भी इन्होंने एक्सेप्ट किया 22 जुलाई 1947। हमारे देश की करेंसी है इंडियन रुपी, रुपी मत बोलना क्योंकि नेपाली रुपी है, पाकिस्तानी रुपी है, इंडियन रुपी हमारा ऑफिशियल करेंसी है ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, कंट्रोल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, समझा, ठीक है। द न्यू सिंबल, ये जो सिंबल है, ठीक है, इट वॉज एडॉप्टेड इन 2010 और 8 जुलाई 2011 से ये सिंबल यूज होने लग गया। आपको भी पता है रुपी का सिंबल, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स वी शुड यूज दिस एवरीवेयर। स्टेट एम्बलम, द स्टेट एम्बलम इज एन अडेप्टेशन ऑफ सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका। ये सारनाथ पिलर पे है, ऐसे तीन नहीं चार क्या है,
चार तरीके, चार जगह पे फेस करने वाले लायंस है जो एक पिलर के ऊपर है, जिन्हें सारनाथ लायंस बोला जाता है, ठीक है। इन द ओरिजिनल देर आर फोर लायंस स्टैंडिंग बैक टू बैक माउंटेड ऑन एन अबाकस विद अ फ्रीज कैरिंग स्कल्पचर इन हाई रिलीफ ऑफ एन एलिफेंट, अ गैलपिंग हॉर्स, अ बुल एंड अ लायन सेपरेटेड बाय इंटरवीनिंग व्हील्स ओवर अ बेल शेप लोटस। मंजे काय, देख लो इधर, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, सब कुछ याद आ जाए, सब कुछ समझ जाएगा। ओके अगर आप गौर से देखोगे तो ये है सारनाथ लायन, इनके नीचे है बुल, अगर देखो बुल है पूरा 360 डिग्री और बीच में चक्र है, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। देखो इनके नीचे क्या है, इनके नीचे इधर देखो गौर से, यहाँ पे देखो बुल दिखाई दे रहा है, तो बुल है और क्या क्या है वो बोला गया है, समझा। यहाँ पे कितने मंथ का बुलेटिन करना है, मैंने बोला था 2 मंथ का पिछले, बुल है, बुल के बाजू में और भी चीजें है, क्या क्या चीजें और उनके बीच में चक्र है, समझा। तो वो कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। फ्रीज कैरिंग स्कल्पचर मतलब वो क्या क्या, देखो एलिफेंट है, हॉर्स है, गैलोपिंग मतलब उड़ी मार, मतलब वो दो पैर पे खड़ा वाला हॉर्स, बुल है और लायन है और इनके बीच में क्या है, व्हील्स है, समझा। ओवर अ बेल शेप्ड लोटस, ये देखो लोटस है, ये नीचे वाला पार्ट जो है ना वो लोटस है बट बेल की शेप में है, समझ गया सब कुछ, ठीक है। कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल ब्लॉक ऑफ पॉलिश्ड सैंडस्टोन, याद रखना ये एक टाइप ऑफ रॉक है, सैंडस्टोन एक टाइप ऑफ रॉक है, उसमें से काव किया गया है। द कैपिटल इज क्राउंड बाय द व्हील ऑफ लॉ, मतलब इसके व्हील ऑफ लॉ मतलब धर्म चक्र, ठीक है। इट इज क्राउंड बाय धर्म चक्र, दैट इज व्हील ऑफ लॉ, ठीक है। बस इतना ही याद रखो, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। नेशनल बर्ड हमारी कौन है, पीकॉक है। नेशनल एनिमल टाइगर है। नेशनल फ्लावर हमारा लोटस है, ठीक है। ओलंपिक सिंबल ये है, इसका मीनिंग था 5 continents और उनमें अलग अलग गेम्स है। बच्चों ये सब डिटेल में करने वाले हम लोग, आज का लेक्चर में यहाँ पे रोक रहा हूँ, इसीलिए अवार्ड्स भी याद रखने हैं, लेटेस्ट भारत रत्न वगैरह किसको मिले हैं, कितने लोगों को मिले हैं, ये सब हमें याद रखना है। तो करेंगे हम लोग अवार्ड्स इन द फील्ड ऑफ सिनेमा, सबसे बड़ा होता है दादा साहेब फाल्के, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू अवार्ड, ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिस्टिंग्विशिंग रूल, ठीक है। बस इतना ही आज के लिए, इतना यहाँ पे रुकते हैं, कल का स्केड्यूल आपको आ जाएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। सो दैट्स इट, सिंबल्स देख लो, थोड़ा बहुत आप नेशनल बर्ड के बारे में पढ़ लो, एक काम कर लेते, पढ़ ही लेते चलो। इंडियन पीकॉक जिसे पावो क्रिस्टासस बोला जाता है, इज अ कलरफुल स्वान साइज बर्ड, इसका साइज स्वान जितना होता है बट पीछे इसके ये फेदर्स होते हैं। बच्चों ये फेदर्स मेल में होते हैं, दे आर टू अट्रैक्ट अ फीमेल, अगर आप पीकॉक की फीमेल देखोगे ना तो हंसोगे आप, समझा। कुछ नहीं होता उसको, कलर भी नहीं होता, इतनी ब्यूटीफुल भी नहीं होती है ये। आप बर्ड किंगडम में नजर आना, आप एक बार बर्ड किंगडम को देखना, ठीक है। बर्ड्स ऑफ पैराडाइज सर्च करना कभी, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज, ठीक है। अगर आप ये बर्ड्स ऑफ पैराडाइज सर्च करोगे ना, आप शॉक हो जाओगे, इनके फीमेल्स और मेल्स के जमीन आसमान का, इनके मेल्स इतने ब्यूटीफुल होते हैं, ये तो पिक्चर दिखा रहा है कुछ, तो मैं भूल गया, हाँ ये वाले, क्या नाम था इसका बेटा, ये बर्ड जो है ना ये सब मेल्स होते हैं, ये इतने कलरफुल होते हैं टू अट्रैक्ट देयर फीमेल्स, और इनकी फीमेल्स देखोगे ना तो ये वाला, जस्ट लुक एट इट। सर टुमारो 9 to 11 इंग्लिश, उसके बाद रखिए, ओके ठीक है, देखते हैं मेरा कल का, मैं बताता हूँ, प्लीज ध्यान दो, ये जो बर्ड दिख रहा है ना ब्लैक और ब्लू, वो मेल है और वो उसके सामने कड़ी फीमेल है, He's trying to attract her. तो इनके मेल इतने ब्यूटीफुल होते हैं, ठीक है, वैसा ही पीकॉक का भी है। बच्चों ये पीकॉक जो दिख रहा है ना आपको, ये पीकॉक है, पीकॉक इज अ मेल, इसकी जो फीमेल होती है उसे पी हेन बोला जाता है, समझा यहाँ पे, ठीक है। तो ये इतना ब्यूटीफुल होता है, इसका साइज होता है स्वान के जितना, इसके पीछे फेदर्स का एक फैन शेप्ड क्रेस्ट होता है, व्हाइट पैच अंडर द आई, लॉन्ग एंड स्लेंडर नेक, द मेल ऑफ द स्पीशीज इज मोर कलरफुल देन द फीमेल विद अ ग्लिस्टनिंग ब्लू ब्रेस्ट, ये ब्लू कलर का यहाँ पे उसको ये होता है, इसकी छाती पे ब्लू कलर होता है, नेक पे ब्लू होता है, ब्रॉन्ज ग्रीन टेल होती है और इसमें फेदर्स, ये याद रखने की चीज है बेटा, एक पीकॉक को फेदर्स कितने होते हैं, ये वाले पीछे ये 200 फेदर्स होते हैं। द फीमेल इज ब्राउनिश स्लाइटली स्मॉलर देन द मेल एंड लैक्स द टेल, फीमेल में कोई टेल नहीं होती है, पी हेन बोलते हैं उसको। एलैबोरेट कोर्टशिप डांस, कोर्टशिप डांस मतलब
ये मेल अपनी फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए जो डांस करता है उसे कोर्टशिप डांस बोलते हैं। बेटा हर एक जानवर, फिशेस ले लो या जानवर ले लो या बर्ड्स ले लो, फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। तो इनका कोर्टशिप डांस क्या होता है, पीकॉक्स क्या करते हैं, नाचते हैं ऐसा, ये खोल के अपना पूरा फेदर्स, ठीक है, फैनिंग आउट द टेल एंड प्रीनिंग इट्स फेदर्स इन अ गॉर्जियस साइट, ठीक है। नाउ कम्स टू नेशनल एनिमल द मैग्निफिसेंट टाइगर, पंथेरा टिग्रिस इसका नाम है, ठीक है। येलो थिक कोट होता है ऑफ फर विद डार्क स्ट्राइप्स, कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेस, क्योंकि ग्रेसफुली चलता है, काफी स्ट्रॉन्ग होता है बच्चों, टाइगर आई गेस लायन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता हैवी होता है, टाइगर लायन से भी ज्यादा हैवी होता है, एजिलिटी मतलब काफी फास्ट होता है, इनॉर्मस पावर हैज अर्न्ड द टाइगर अ प्राइड ऑफ प्लेस, नेशनल फ्लावर हमारा लोटस है, नेलुम्बो नुसीफेरा गार्टन नेशनल फ्लावर, इट इज सेक्रेड फ्लावर क्योंकि लोटस हम लोग लक्ष्मी माता को चढ़ाते हैं इसलिए काफी सेक्रेड भी माना जाता है, यूनिक पोजिशन इन द आर्ट एंड माइथोलॉजी ऑफ इंडिया, समझा यहाँ पे, हैज बीन ऑस्पिशियस सिंबल ऑफ इंडियन कल्चर, लोटस हम ऑलमोस्ट लक्ष्मी पूजा पे भी लोटस चढ़ाते हैं, इंडिया इज रिच इन फ्लोरा, फ्लोरा मतलब फ्लावर्स, फ्लावर स्पीशीज, करंटली अवेलेबल डेटा प्लेस इंडिया इन द 10th पोजिशन इन द वर्ल्ड एंड फोर्थ इन एशिया एंड प्लांट डाइवर्सिटी, समझा, 70% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया सर्वेड, देर आर 47,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ढूंढा है। बेटा हमारे पास ये भी है, ये भी गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, लोग यहाँ पे जॉब करते हैं बॉटनी पढ़ने के बाद, मतलब प्लांट की स्टडी करने के बाद आपको यहाँ पे जॉब मिलता है और इंडिया के अलग अलग प्लांट स्पीशीज को ये एनालाइज करते हैं ढूंढ ढूंढ के, ठीक है। तो इतना ही हमारा आज इंपॉर्टेंट था, कल लैंग्वेजेस भी करेंगे, टाइमिंग आपको अपडेट हो जाएगा, 11 बजे होगा पॉसिबल तो मैं इकोनॉमिक्स तो कम से कम ले ही लूंगा, ठीक है, चलो, सो सी यू टुमारो, टाटास, बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे अहेड। Bye bye everyone.